राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री कांग्रेस से युवा नेता सचिन पायलट इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि सचिन पायलट के कड़े तेवरों ने राजस्थान में सियासत काफी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लगातार वह निशाने पर लिए हुए हैं। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट को लेकर यही कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के मन में आज भी कहीं ना कहीं वो डीस है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया गया। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट मोर्चा खोले हुए हैं और सचिन पायलट को लेकर ये अटकलें तेज हुई कि 11 जून के दिन वह अपनी नई पार्टी के गठन को लेकर ऐलान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस बीच देखा जाए तो पायलट को लेकर तमाम बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम बड़ी हस्ती में, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे ना सिर्फ सचिन पायलट के बारे में, बल्कि बताएंगे आपको उनकी मां रमा पायलट के बारे में भी। ये बात आप बखूबी जानते हैं कि सचिन पायलट पहले से ही एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट जी को भला कौन भूल सकता है। आज 11 जून है, आज उनकी पुण्यतिथि है और इस खास मौके पर सचिन पायलट दौसा पहुंचे। दौसा पहुंचकर उन्होंने एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम हर साल की तरह इस बार भी आयोजित किया गया राजेश पायलट जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। यहाँ पर सचिन पायलट पहुंचे, गहलोत सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट भावुक होते हुए भी नजर आए हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे राजेश पायलट जी के बारे में कि उनका कितना वर्चस्व रहा राजस्थान में और कांग्रेस के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। लेकिन रुक किया जाए राजेश पायलट जी के साथ साथ उनकी पत्नी रमा पायलट जी पर, सचिन पायलट की मां रमा पायलट पर, तो वह भी राजस्थान की राजनीति में सक्रिय है और उन्होंने क्या कुछ किया है सुनिए जरा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। साल के अंत में ये विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा का विषय बने हुए हैं राज्य में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, जिन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर किया है, जिन्होंने कई बड़ी मांगे की हैं अपनी ही सरकार गहलोत सरकार से, और वह लगातार मोदी सरकार पर भी हमलावर हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट भावुक होते हुए भी दिखाई दिए हैं। दरअसल आज का दिन सचिन पायलट और उनके पूरे ही परिवार के लिए काफी खास रहा, काफी दर्द भरा रहा। दरअसल आपको बता दें कि आज ही के दिन वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। एक दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान गंवा दी। सचिन पायलट ने अपने पिता को याद करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया। वह लिखते हैं, मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर उन्हें हृदय से नमन करता हूं। अपनी कर्मभूमि से उनका जुड़ाव, जनता से अपनेपन का रिश्ता एवं जन कल्याण के प्रति उनकी समर्पित कार्यशैली मेरे लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने जनहित को सर्वोपरि मानकर कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनके विचारों और आदर्शों को मैं सदैव अनुसरण करता रहूंगा। राजेश पायलट अमर रहे। इस तरह से सचिन पायलट ने अपने दर्द को बयां किया है। आज के दिन वह दौसा पहुंचे, दौसा के भंडाना वह पहुंचे, जहां पर राजेश पायलट जी की मूर्ति का अनावरण किया गया। स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की सचिन पायलट ने। वो तस्वीरें वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं। पूज्य पिताजी को नमन और उनका आशीर्वाद उन्होंने पाया। उनका कहना रहा कि आपका आशीर्वाद मेरी ताकत है। सचिन पायलट लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि पायलट को लेकर ये कहा जा रहा है कि पायलट अब जल्द ही नई पार्टी का गठन करेंगे, ये दावे किए गए हैं। वहीं इन दावों को खारिज कर दिया गया पायलट की तरफ से आज 11 जून के दिन, क्योंकि 11 जून वो तारीख है जब इनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। सचिन पायलट ने एक और पोस्ट साझा किया, स्वर्गीय राजेश पायलट साहब की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के बाद आयोजित जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट को लेकर आज भी वो राज लगातार खुल रहे हैं, जो वाकई में हर किसी की आंखों को
नम कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक सड़क हादसे में उनके पिता इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। 11 जून 2002 रविवार का दिन शाम के 4:30 बज रहे थे। ये वो वक्त था जब सांसद राजेश पायलट का जयपुर आगरा हाईवे पर जो हादसा हुआ उसमें निधन हो गया। राजेश पायलट गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ मौजूद थे सिकराई के तत्कालीन विधायक महेंद्र मीणा और कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़। इनके अलावा उनके अन्य साथी भी थे और उस हादसे में उनकी जान चली गई। राजेश पायलट जी के गुजर जाने के बाद कैसे राजनीति में सचिन पायलट ने कदम रखा ये आप बखूबी जानते ही होंगे, लेकिन रुक किया जाए अगर उनकी पत्नी रमा पायलट की तरफ। जी हाँ, रमा पायलट जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पोखरलाल सैनी के खिलाफ हिंडौली से चुनाव लड़े। 1998 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में 15,530 के अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। राजेश पायलट लोकसभा के सदस्य हुआ करते थे लेकिन एक कार दुर्घटना में उनका निधन हो गया। उपचुनाव की आवश्यकता थी और कांग्रेस ने रमा पायलट को उम्मीदवारी के रूप में मैदान में उतारा। कुल वोट डाले गए 6,69,984, वैध मतों से पायलट को 3,49,439 मत प्राप्त हुए। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार आर के शर्मा रहे जिन्हें 2,84,175 वोट प्राप्त हुए, दूसरे स्थान पर रहे। आपको जानकारी दे दें कि एक सांसद के रूप में उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय की कृषि समिति और सलाहकार समिति में कार्य किया है। इन्होंने झालरा पाटन रिपीट इतना ही नहीं रमा पायलट ने झालरा पाटन से वसुंधरा राजे के खिलाफ भी चुनाव लड़ा लेकिन हार का सामना किया। 2003 के राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान इन्हें वसुंधरा राजे के 72,760 के मुकाबले 45,385 वोट मिले। वहीं इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद INC ने इनके बेटे सचिन पायलट को 14वीं लोकसभा के लिए मैदान में उतारा। रमा पायलट काफी सक्रिय रही मैदान में। वहीं इनकी निजी जिंदगी पर रुख किया जाए तो रमा पायलट 12 मार्च 1974 में राजेश पायलट के साथ शादी के बंधन में बंधी थी। इनके एक बेटे हैं सचिन पायलट, वहीं एक बेटी भी हुई। राजेश पायलट 11 जून के दिन भंडाना में एक कार दुर्घटना में इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उस हादसे के बाद जब वो हादसा हुआ था उस वक्त उन्हें पास के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और आज देखा जाए सचिन पायलट राजनीति में एक्टिव हैं और लगातार मोदी सरकार को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि रमा पायलट के सोशल मीडिया अकाउंट की तरफ रुख किया जाए तो सोशल मीडिया पर वह भी अपनी बात रखती हुई देखी जाती हैं। एक वक्त रमा पायलट ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, राजेश पायलट साहब अक्सर बोला करते थे जब मैं नहीं रहूंगा तो पूरा राजस्थान आपका परिवार होगा, तुम लोग साथ मत छोड़ना, राजस्थान के लोग तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। आज साबित कर दिया कि राजस्थान की जनता ने धन्यवाद राजस्थान। इस तरह से रमा पायलट ने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी थी। रमा पायलट सचिन पायलट की तरह राजस्थान में काफी ज्यादा एक्टिव रही और रमा पायलट वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई भी देखी गई। ये बातें जाहिर करती हैं कि किस तरीके से रमा पायलट भी राजनीति में सक्रिय रही और वह भी राजेश पायलट के गुजर जाने के बाद चुनाव में किस तरह से जीत हासिल करती हुई देखी गई। आज के समय में देखा जाए तो रमा पायलट अक्सर कार्यक्रमों का हिस्सा बनी हुई नजर आती हैं, तो कभी वह सारा पायलट यानी कि सचिन पायलट की पत्नी के साथ भी देखी जाती है। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं और अभी फिलहाल देखा जाए तो रमा पायलट पर खबरें भी सामने नहीं आई हैं, लेकिन रमा पायलट ने राजनीति में कदम रखा और उन्होंने जीत भी हासिल की। देखते हैं कि सचिन पायलट के लिए पार्टी हाईकमान क्या कुछ अहम फैसले लेती है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें सौंपा जा सकता है। आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट की मां रमा पायलट भी यहां पर किस तरीके से सक्रिय होती हुई नजर आई है। आज के समय में देखा जाए तो पायलट परिवार का एक अलग ही वर्चस्व है राजस्थान में और सचिन पायलट लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही कम उम्र में इन्होंने राजनीति में कदम रखा और आज भी देखा जाए तो सचिन पायलट का वर्चस्व कमाल का देखने को मिलता है। फिलहाल यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक यही दावे किए जा रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में देखा जाए तो पार्टी हाईकमान के पास सचिन पायलट से हटकर कोई
अन्य चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के लिए, क्योंकि देखा जाए 2028 में जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे तो उस वक्त सचिन पायलट को ही आगे किया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है इस पर, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या वाकई में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए, क्या उन्हें अब मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।